अगर आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके दांत में कीड़ा लग सकता है और उसकी वजह से आपके दांत में दर्द कभी भी हो सकता है। तो हो सकता है ये दर्द शुरुआत में कम हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये दर्द बढ़ भी सकता है। तो मान लीजिए आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है और उस टाइम पे आपको लगभग 7-8 घंटे तक आपको किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, या फिर ऐसा हो कि आप कहीं बाहर हो और डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो ऐसे में मैं ये जो आपको 3 इफेक्टिव होम रेमेडीज बता रही हूँ उन्हें आप यूज करिए, आपको दर्द में तुरंत राहत मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 इफेक्टिव होम रेमेडीज जिससे आपके दांत का दर्द जो है वो तुरंत ठीक हो जाएगा और आपको दांत के दर्द में राहत मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं डॉक्टर रजनी। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दांत दर्द में राहत के लिए 3 घरेलू नुस्खे। नंबर 1, लौंग या लौंग का तेल। आप लौंग तो सभी जानते हैं, सबके घर में आसानी से मिल जाती है। आपको क्या करना है कि लौंग जो है उसको डायरेक्ट अपने दांत, जिस दांत में दर्द हो रहा है उस दांत के ऊपर रख करके दबा लीजिए, या फिर आप लौंग जो है उसको पीस लीजिए, अच्छे से पाउडर बना लीजिए। अब जिस दांत के अंदर कीड़ा लगा है, जिसमें सड़ गया है, काला हो गया है, गड्ढा पड़ गया है, जिसमें दर्द हो रहा है, उस दांत के अंदर जो है डायरेक्टली ये जो लौंग का पाउडर है उसे डाल लीजिए और डाल करके इसे छोड़ दीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास अगर लौंग का तेल है तो आपको क्या करना है, एक रुई के अंदर जो है थोड़ा सा 4-5 बूंदे लौंग के तेल की डाल करके उसे उस दांत के ऊपर रख लीजिए जिसके ऊपर जिसमें दर्द हो रहा है आपको। आप देखेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपके दांत के दर्द में आपको राहत मिल जाएगी। नंबर 2, नमक के पानी के कुल्ले। नमक के पानी के कुल्ले बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा कीटाणु नाशक होते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर 1/2 चम्मच जो है नमक डाल लेना है, जो भी सादा नमक आप खाते हो वो, ठीक है। अब इसे घोल करके इस पानी से आपको कुल्ले करने हैं दिन में 3 से 4 बार। आप अगर ऐसा करेंगे तो उससे आप देखेंगे कि आपके दांत के दर्द में आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। और ये जो नमक का गुनगुना पानी होता है ये दांतों और मसूड़े दोनों के लिए फायदेमंद होता है, तो आप इसे अपने रेगुलर रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। नंबर 3, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, 1/2 ग्लास हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है 3%, उसके अंदर 1/2 ग्लास हाइड्रोजन परऑक्साइड और 1/2 ग्लास आपको नॉर्मल पानी मिक्स करना है। अब ये जो मिक्सर है इससे आपको कुल्ले करने हैं दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। इससे आप देखेंगे आपके दांत का दर्द जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ आपके मसूड़े भी स्वस्थ बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो कीटाणु नाशक भी होता है। तो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये सिर्फ टेम्परेरी तुरंत दर्द में राहत के लिए है। अगर आपको परमानेंटली आपके दांत के दर्द बंद करना है तो उसके लिए तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उस दांत का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, तभी दांत का दर्द परमानेंटली वहां मिट जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि भाई दांत का दर्द बंद हो गया है तो बस चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा, कुछ एक टाइम के बाद जिस दांत में आपको दर्द हो रहा है वो बचाने लायक भी नहीं बचेगा और आपका ये दांत निकलवाना पड़ेगा। तो आई होप मेरा ये आज का वीडियो दांत दर्द में राहत के लिए आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अगर अचानक से दर्द हो और डॉक्टर के पास ना जा सके तो वो भी इससे अपने दांत का दर्द ठीक कर सके। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।